वो तो वैसे भी खुद को गधा साबित कर दिए कि हम गधा हैं, बोले ना भाई कि हम गधा हैं। तो आप बताइए कि एक सरल इंसान से काम होगा, एक गधा से काम होगा? तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम गधा हैं। महिला होने के नाते हमें इतनी शर्म आ रही है कि जिस तरह का अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित शब्दों का जिस तरह से चयन करके माननीय नीतीश जी बोले हैं, हमें बहुत शर्म लग रहा है। इनफैक्ट हमें आज रोना आ रहा है। इतना मांझी जी को अपमान करने की कोशिश किया, ये उनकी अपमान नहीं है, ये उन दलितों की है, उन गरीबों की है जो माननीय जीतनराम मांझी जी को अपना मसीहा मानते हैं। उनको भी आहत हुआ है, उनको भी गुस्सा है। तो हम कहते हैं, और बात रहेगी मुख्यमंत्री बनाने की, तो ये मत सोचिए अगर वो बनाए तो हटाए क्यों, अगर वो बनाए तो हटाए क्यों। एक तो महिलाएं बहुत मुश्किल, बहुत जमाने के बाद रोड पे चलना सीखी थी, सर उठा करके, आज उनको पटकने की कोशिश किया जा रहा है। आप जिस महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं कि महिलाएं, तो महिलाएं क्यों, पुरुष भी तो हैं। तो ये नीतीश जी की गंदगी थी जो मन में, जो उस मंदिर में निकला है, जो बहुत शर्मनाक है। तमाम जो है महिलाएं, हम पार्टी की तमाम महिलाएं जो है वो पहुंच गए, किसी पुतला दहन कर रहे हैं नीतीश कुमार का। देखिए, महिला होने के नाते हमें इतनी शर्म आ रही है कि जिस तरह का अभद्र टिप्पणी, अमर्यादित शब्दों का जिस तरह से चयन करके माननीय नीतीश जी बोले हैं, हमें बहुत शर्म लग रहा है। इनफैक्ट हमें आज रोना आ रहा है इस बात को सोच करके कि हमारी इस जो पार्टी पॉलिटिक्स है, इसमें क्या हो गया है। हम कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी की बदनामी हो, लेकिन आज हमारी बदनामी हो रही है, हमारी महिलाओं की बदनामी हो रही है, और पता नहीं कितनी चीजें झेलनी पड़ेंगी। तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अब जो है हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम कहीं भी सर उठा के चलने के लायक नहीं है। एक तो महिलाएं बहुत मुश्किल, बहुत जमाने के बाद रोड पे चलना सीखी थी, सर उठा करके, आज उनको पटकने की कोशिश किया जा रहा है। आप जिस महिलाओं के बारे में टिप्पणी करते हैं कि महिलाएं, तो महिलाएं क्यों, पुरुष भी तो हैं। तो ये नीतीश जी की गंदगी थी जो मन में, जो उस मंदिर में निकला है, जो बहुत शर्मनाक है। हमें महिला होने पे कहीं ना कहीं गर्व होता है, लेकिन आज उन्होंने उन सब महिलाओं को उनके औकात दिखाई है कि उन्होंने जब कहा कि महिलाएं पढ़ेंगी तब ऐसा होगा, तो भैया आपके पास कोई और भी तरीके थे, चारा था। दूसरी बात, जिस तरह से माननीय श्री जीतनराम मांझी जी को अपमान करने की कोशिश किया गया है, ये सिर्फ जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए। सुनिए तो, जिस तरह से जीतनराम मांझी जी को अपमान करने की कोशिश किया, ये उनकी अपमान नहीं है, ये उन दलितों की है, उन गरीबों की है जो माननीय जीतनराम मांझी जी को अपना मसीहा मानते हैं। उनको भी आहत हुआ है, उनको भी गुस्सा है। तो हम कहते हैं, और बात रहेगी मुख्यमंत्री बनाने की, तो ये मत सोचिए अगर वो बनाए तो हटाए क्यों, अगर वो बनाए तो हटाए क्यों। जब काम नहीं हो पाता था, काम होता था, लेकिन उनको लगा ना कि बहुत तेज हो गया है, सोचने लगा है बिहार के बारे में। अगर ये सोच के बिहार में काम करने लगेगा तो लोग इसको ना मानेगा, हमको तो पूछेगा नहीं। वो तो वैसे भी खुद को गधा साबित कर दिए कि हम गधा हैं, बोले ना भाई कि हम गधा हैं। तो आप बताइए कि एक सरल इंसान से काम होगा, एक गधा से काम होगा? तो उन्होंने साबित कर दिया कि हम गधा हैं। माननीय जीतनराम मांझी जी को वो क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? उन्होंने अपना 4 विधायक दे करके नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया है, ये बात कैसे भूल गए, ये कैसे भूल गए? मंत्री तो बनाए थे ना, और उनको कौन मंत्री बना दिया, उनको कौन मुख्यमंत्री बनाया? अरे भैया, वो तो खुद मुख्यमंत्री बनने, वो तो खुद जब मुख्यमंत्री बनने की बात करते, वो तो भाजपा बनाया है। उनके औकात है कि खुद मुख्यमंत्री बन जाए? उनके औकात है, उनको तो भाजपा वाले बनाए हैं मुख्यमंत्री, क्या बात करेंगे। अरे वो कहीं नहीं है, इतना गुस्सा दिखाइएगा उनका दिमाग। अरे अभी हम तो रोना आ रहा है, हम तो रोना आ रहा है, हमको तो बुरा लग रहा है इस बात का कि हमारे इस देश में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये बताइए। जहाँ हमारे नेता लोग उतरते थे तो लोग समस्याएं बोलते थे, आज तो अपनी समस्याएं नहीं बोल सकते हैं। आप बताइए कैसे नहीं होगा? आप गुस्सा सिर्फ इस बात का नहीं है, हर एक बात में गुस्सा। अरे भैया, जब हम रोजगार मांगते हैं तो लाठी मिलती है, बिजली मांगते हैं गोली मिलता है, हर चीज मिलता है। चलिए, तो ये है हम पार्टी, यानी कहें तो जीतनराम मांझी की पार्टी जो है वो पहुंच चुके थे इनकम टैक्स पर, नीतीश कुमार के साफ तौर पे पुतला दहन किया और साफ साफ नारेबाजी कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो है वो गद्दी छोड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।